नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज। मैं अशोक कुमार, बीआरजे टीवी में आप लोग का स्वागत है। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर यानी गगन दिवस के 74वां दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ पे प्रोग्राम कराया गया, जो कि पुलिस पब्लिक कम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पंचायत प्रतिनिधि के भी कम्युनिकेशन था। पंचायत प्रतिनिधि थे और जो इर्द गिर्द गांव के जो अगल बगल के जो पंचायत के प्रतिनिधि थे, वार्ड थे, मुखिया थे, सरपंच थे, सभी को सहयोग से इतना बड़ा फंक्शन कराया गया। दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला बिकने वाला क्रिकेट, सारा चीज जो कि अरवल जिला के महान महामहिम जो पुलिस अधीक्षक महोदय फिलहाल ही अरवल में ज्वाइन किए हैं, वो काफ़ी समय दिए, जो कि अभी तक अरवल जिला में ऐसा कहीं प्रोग्राम हुआ नहीं और इतना कोई ऐसा पुलिस अधीक्षक टाइम कहीं दिए नहीं। तो आज अभी हम सर तेलपा के धरातल पर उपस्थित हैं, जो कि स्टेडियम में हम अभी उपस्थित हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक हमारे गार्जियन कुल, हम अभी उनसे मिलवाते हैं। सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राकेश राही है जी, और मैं यही बगल में खासी मेरा घर हुआ। अच्छा, और तो एक खासी ना को घर हुआ सर, तो एक प्रोग्राम कराने का आप लोगों को जैसे पुलिस पब्लिकेशन पंचायत प्रतिनिधि, आखिर इसका क्या सोच आप लोग को था? देखिए, एक तो गणतंत्र दिवस और शक्ति पूजा का शुभ अवसर है, दूसरी बात है कि खेल कूद जो भी प्रतियोगिता होता है वो समाज में भाईचारा और सद्भाव को स्थापित करता है और युवाओं को सही दिशा निर्देश देता है। इसीलिए यहाँ के अधीक्षक मुखिया प्रतिनिधि और तमाम समाज से भी लोग मिलकर इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन। तो और तो ऐसा सर तेलपा ओपी यानी प्रभारी आए थे, तो ऐसा कभी ऐसा सोच हुआ नहीं, लेकिन फूलचंद बाबू के दिल दिमाग में कौन दिए, आप लोग पंचायत प्रतिनिधि दिए या और कहीं से उनका उद्देश्य में था? देखिए, वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और यंग भी हैं। दूसरी बात यह रही है कि सारदेलपा का ऐतिहासिक धरती है, यहाँ पर हर साल अच्छे अच्छे टूर्नामेंट फुटबॉल के अन्य गेम के भी होते रहे हैं और उनका सहयोग प्रशंसनीय रहा है, सराहनीय रहा है। तो अभी यहाँ पे एक और जो हमारे गार्जियन कुल बड़े भाई हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, तेलपा पंचायत के मुखिया जी, जो कि शायद 2-3 बार से विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका कुछ न कुछ पब्लिक में ऐसा संदेश है कि लोग चुन रहा है। तो हम मुखिया जी से ये जानना चाहते हैं कि अपना नाम के साथ परिचय के साथ पब्लिक पर जो प्रोग्राम कराया गया उससे आपका सोच क्या रहा? ये हमारे क्षेत्र में जितने भी युवा वर्ग हैं, लड़का हो या लड़की हो, सभी लोग खेल प्रेमी हैं, खेल से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र के बच्चे हर क्षेत्र में आगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल, आपको बिहार बोर्ड में भी अव्वल किया था अरवल का बच्चा, अरवल क्षेत्र की या हैदराबाद की एक लड़की थी जो मैट्रिक में आई थी तृतीय स्थान पर राज्य स्तर पर। तो इस तरह हमारा क्षेत्र प्रतिभा का क्षेत्र रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं गरीबी से दबे या किसी चीज़ से दबे, वो किसी चीज़ से पीछे ना रह पाए, उनको जिस चीज़ की अगर कमी होती है तो उस चीज़ को हम लोग पूरा करें और उनके प्रतिभा को प्रदर्शन करने का एक प्लेटफॉर्म हम लोग और उसी के तहत हम लोग हमेशा ये सब प्रोग्राम कराते रहते हैं। अभी भी आप लोग को बता दे रहे हैं कि मार्च के महीने में फिर से हम लोग का CPL टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। हम लोग हमेशा क्रिकेट का टूर्नामेंट, फुटबॉल का टूर्नामेंट या प्रतियोगिता वगैरह ऐसे कराते रहते हैं ताकि प्रतिभा लोग का निखर के आए। यानी आप लोग का जो सोच है एक सराहनीय है और पब्लिक के जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा आप लोग का बना हुआ है। हर इंसान के साथ आप लोग का बहुत अच्छा बिहेव रहा और हम लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत मनो आप लोग का कार्य लेकर के सराहनीय रहे। और हमारे गार्जियन विवेक सर यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि पुलिस पब्लिकेशन के जो माध्यम से इतना बड़ा जो प्रतियोगिता कराए, इन लोग का बहुत इनका बहुत सहयोग रहा है और शारीरिक नहीं हर चीज से ही, मतलब कि ये थे हम तो देखे। सर अपना बताइए।
पर्चे के साथ साथ दिया कि कुमार नाम हुआ हम शहर तिलकों में जैसे सब इंस्पेक्टर यहाँ पे पोस्टेड जी। काफ़ी अच्छा, ये तो सब जनप्रतिनिधि एवं ये दिमाग की ऊपर से भाई कुछ ऐसा होना चाहिए एक प्रोग्राम हो जिससे पुलिस और पब्लिक दोनों का सहयोग हो। हमारे मुखिया जी का इनमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा, काफ़ी सफल भी हुआ। आप सबने देखा कि इसमें जो महिलाएं भाग ली थी, जो बच्चे थे, जो लड़के थे, काफ़ी अच्छा खेल खेला और ये आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं है, प्रत्येक 3-4 महीने में हम सब एक बार मिलकर समाज को जो है आगे बढ़ाने का एक सर्वोत्तम तरीका है। समाज में जो पिछड़ा है उसको एक मंच पर लाया जाए, उन्हें एक अवसर दिया जाए अपनी क्षमता को दिखाने के लिए। तो सर वर्दी पहनने के बाद में पब्लिक से तो बहुत अलग हट जाते हैं प्रशासन, लेकिन आप लोग का जो तेलपा ओपी के जितने भी जो प्रशासन से जैसे पदाधिकारी से लेकर के कंस्टेबल तक, आप लोग का ऐसा सोच कैसे जगा? सबसे पहले बताते हैं कि वर्दी पहनने वाला 2 साल पहले हम भी उसी लाइन में खड़े थे, आज हम वर्दी पहन लिए हैं तो हमारा बिल्कुल जो स्वभाव है वही रहेगा जो हम जी बेरोजगार की तरह थे और जो स्टूडेंट लाइफ में थे हम उसी लाइफ को इंजॉय करते हैं। हमारे कोई ये नहीं है कि हम वर्दी पहन लिए हैं, कुछ नहीं। पुलिस और पब्लिक के बीच ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वर्दी अपने जगह है। मानवता को हमेशा सर्वोपरि मानना चाहिए, सबसे पहले मानवता, उसके बाद। देखिए सर जी का कहना है कि अभी जो लाइन में लोग खड़ी हैं स्टूडेंट लाइफ से लेकर के हम खड़ी थे और अभी वर्दी मिला है, लेकिन हम उसी धरती से आए हैं। सब कोई अपने अपने लाइफ में सफल होगा, सब कोई अच्छा यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है काफी देखते हैं हम तो सुबह भी आते हैं ग्राउंड कभी कभी तो देखते हैं बहुत लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं तो उन्हें वो भी जरूर एक ना एक अपनी लाइफ में सफल होंगे। सबका किसी न किसी फील्ड में जाने का एक लक्ष्य होता है, उम्मीद करते हैं आगे अपना सबको अपना अपना मंजिल मिलेगा, सब सफल होंगे लाइफ में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिसिप्लिन लोग हैं, पब्लिक की डिसिप्लिन है, वहीं से डिस्टर्बेंस नहीं है, वहीं से समाज में अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेल का आनंद भी लिए और पब्लिक भी आनंद।